तो मैंने भंजा जी से कहा कि आपके 11 बज गए, भगवान को तुमको लेटा दी तो नींद आ रही होगी। कैसे नींद नहीं आएगी इनको, हमें जब वो सो नहीं सकते तो खाना कैसे खा सकते। हमने कहा भंगो ब्राह्मणीकरण अगर तुमने किया बाबा साहब के धर्म का तो तुम्हारी खैर नहीं। और मैंने स्लोगन दिया कि बिना बायस प्रतिज्ञाओं के बौद्ध धर्म अघोषित ब्राह्मणवाद है। जो बायस प्रतिज्ञा नहीं मानेगा वो बौद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए मजबूती के साथ बढ़िए। ये धर्म निरपेक्ष भारत है। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने स्वयं ये धर्म निरपेक्ष भारत बनाया है। हमें हिंदू धर्म की कोई बुराई नहीं करनी, हमें मुसलमानों की बुराई नहीं करनी, हमें धर्म की बात करनी, हमें विषय की बात करनी है। और इतनी अगर क्षमता है तुम्हें, अगर कुपथ है तुम्हें, तो इससे बड़ी नायक बना के दिखाओ, दुनिया तुम्हें मसीहा मान लेगी। बुराई करने से कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान बुद्ध कहा करते हैं कि आदमी जब से जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, आदमी जब से जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, अपने इन आंखों से हमेशा दूसरों को देखता रहता है। आंखें मेरी हैं, दृष्टि दूसरे है। कभी किसी की गाड़ी देख करके जलता है, कभी किसी का मकान देख करके जलता है। एवं लोग दूसरों की पत्नी देख करके भी ले जाते हैं। इतने हमारे लोग मूर्ख हैं और भाई आंखें तेरी हैं, दृष्टि दूसरे हैं। अब हनुमान जी यहाँ क्या कह रहे कि हे मानव, अगर तूने दूसरों को देखने की बजाय अपनी आंखों से अपने आप को देखा होता तो तू मसीहा बन गया होता। क्या बन गया होता? मसीहा। कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। और जो बुराई करता है वो कमजोर होता है, जो आलोचना करता है वो कमजोर होता है, वो कभी दमदार आदमी नहीं हो सकता है। हम सब लोग आंदोलन जानते हैं, मिशन जानते हैं, और इस बुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाइए। आपने मेरा मान सम्मान रखा, बाबा साहब के दर्श को आपने इज्जत दी। हरदोई निवासियों का ये एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और हालांकि मैं बहुत भिक्षु हूँ, इसके साथ साथ मैं क्रांतिकारी विचार का व्यक्ति भी हूँ। पूरे देश के सभी राजनेताओं से मिलता हूँ। कोई ऐसा IAS PCS जज नहीं है जो हमारे कक्ष में नहीं है। सभी हाईकोर्ट जिला जजों से मिलता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम बंदिशों में हो, अधिकारियों के भी घर में जाता हूँ। मैंने कहा अगर तुम बंदिशों में हो तो क्या तकलीफ है, आपको कुछ दानी दे दिया करो। क्यों भाई, आप मुखर होकर के मिशन का काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको दान करने के लिए किसने मना किया? अरे इस आंदोलन में जो आप दे सकते हो दो। कोई समय देता उसकी भी वैल्यू है, उसको कमजोर मत मानिए। कोई बेचारा प्रचार कर रहा है और सबसे ज्यादा तो उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाता है और हमारी सामग्री को शेयर करता है। लेकिन दीदी हमारी नहीं है, ये गलतफहमी बहुत तुम नाकबार हमारे हैं। वो तो अमेरिका की कृपा है, मेहरबानी है कि अमेरिका के ये ऐप है व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक, अगर चाइना खोलते ये बंद हो जाते तो कम से कम मेरी खबरें फैल जाती हैं। इसलिए जो सोशल मीडिया के योद्धा है उनको मैं एक बार सलाम करता हूँ। आप लोग लगे रहिए, फैलाते रहिए। ये तीसरी आजादी की हम जीतेंगे, ये महापुरुषों की बहुत बड़ी कहानी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय किसान।